उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा कोतवाली पुलिस सुबह 5 बजे गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने शक होने पर सामने से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवारों ने रुकने के स्थान पर अचानक भागना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस टीम ने भी भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। बदमाशों की तरफ से चलाई गई गोली से सब इंस्पेक्टर मुकेश राजोरा घायल हो गए। पुलिस की तरफ से अपने बचाव में की गई जवाबी गोलीबारी में बाइक सवार दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस टीम घायल सब इंस्पेक्टर व दोनों बदमाशों को लेकर ठाकुर द्वारा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां दोनों बदमाशों और घायल सब इंस्पेक्टर का इलाज शुरू हो गया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि घायल बदमाश शातिर अपराधी इमरान व सलीम है, जिनको मुरादाबाद पुलिस काफी समय से लूट के कई मामलों समेत कारोबारी के लाखों रुपए लूटने के मामले में तलाश रही थी। इन दोनों फरार बदमाशों पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस इन बदमाशों के पकड़े जाने के बाद अब राहत की सांस ले रही है। इन बदमाशों के पकड़े जाने के बाद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे पर होने वाली लूटपूट की घटनाओं में काफी कमी आएगी। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के बदमाश हैं। इन दोनों बदमाशों पर कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं। 25 जुलाई को जनपद बिजनौर में महिला की हत्या और 15 जुलाई को मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में 4,80,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। धामपुर देहरादून में भी इनके द्वारा चोरी की बाइकों पर हाथ साफ किया गया था। बीते दिनों दोनों बदमाश कटगर थाना क्षेत्र में 2 किलो सोना लूटने के मामले में जेल भी जा चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2,52,000 और अवैध हथियार सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की है। क्या मामला है और क्या जांच में पाया है अब तक? आज सुबह तड़के लगभग 5 बजे दो शातिर लुटेरे कासिमपुर को जा रहे थे धामपुर से। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग में रोकने पर बदमाश करनपुर सूरजन नगर मार्ग पर भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद जब इन्होंने देखा कि बचेंगे नहीं तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागने लगे। पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे एक सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी सूरजन नगर घायल हुए हैं। एक बुलेट इंजरी बुलेट प्रूफ जैकेट में इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा को लगी, जिसमें मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में दो बदमाश घायल हुए हैं। इन पर 10,000 का पुरस्कार घोषित है। जनपद बिजनौर में उन्होंने 25 जुलाई को एक महिला की हत्या की है और 15 जुलाई नाखून का गांव में थाना बेलारी थाना क्षेत्र में 4,80,000 रुपए की लूट इन्होंने कारित की। इसके अतिरिक्त इन्होंने देहरादून धामपुर से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं कारित की। विगत वर्ष इनके द्वारा थाना कटगर क्षेत्र में लगभग 2.25 किलो सोने की लूट की गई थी, जिसमें भी यह जेल जा चुका है। उसमें गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी इनके विरुद्ध पंजीकृत है। अच्छा, बदमाशों के पास से क्या बरामद की हुई है? बदमाशों के पास से 2,52,000 रुपये कैश लूट का और इनके पास से अवैध असलहे, भारी मात्रा में कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।